चांदीवली विधानसभा की विधायक दिलीप मामा लांडे काजूपाड़ा रोड को चौड़ा व नूतनीकरण करा रहे हैं। आपको बता दें कि काजूपाड़ा रोड पर घंटों तक जाम रहता था और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए विधायक दिलीप मामा चांदीवली विधानसभा के सभी रोड और गटर को चौड़ा करा रहे हैं। वहीं रोड और गटर बनाते समय रोड के बीच में आने वाले पुराने शौचालय को तोड़कर रोड और गटर को चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए विधायक दिलीप मामा लांडे खुद जायजा लेने पहुंचे और खुद खड़े होकर विकास कार्य की प्रगति की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। रास्ता रुद्रीकरण का काम शुरू है। आप देखा होगा कि काजूपाड़े से पूरा रास्ता रुद्रीकरण का काम चालू है। यहाँ पे बहुत छोटा रोड था और रोड के ऊपर ही एक सार्वजनिक टॉयलेट बनाया था मुंबई महानगर पालिका के परवानगी के साथ था, लेकिन अभी रोड का काम चालू है इसलिए रोड वाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी था लोगों को आने जाने के लिए। यहाँ पे दो तीन स्कूल है, उस स्कूल के लिए ये रोड की ज़रूरत थी, इसलिए मुंबई महानगर पालिका के तरफ से ये शौचालय वाले को शिफ्टिंग दे के यहाँ पे ये रोड वाइंडिंग का काम शुरू किया है। इन्हें आप देख रहे हैं कि काम शुरू है, जल्दी से जल्दी यहाँ तक गटर का काम आया है, ओनली रोड सीमेंट कंक्रीट बनाने का काम बाकी है। ये रोड वाइंडिंग अभी ये टॉयलेट तोड़ दिया, एक ज़्यादा 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर ये रोड पब्लिक के लिए सीमेंट कंक्रीट का बना के दिया जाएगा। इन्हें इस समय चुनाव के वोट मांगते टाइम कहा भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया था कि ये रोड बना के देगा, ये करेगा, लेकिन चुनाव के वक्त ये कहा था कि कुर्ला अंधेरी रोड चौड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है और वो मैं काम पूरा करूँगा। सातों साथ कुर्ला अंधेरी को जॉइंट करने वाले छोटे मोटे रोड जो है वो रोड भी चौड़ा करना ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए एक जिम्मेदारी का काम आज यहाँ पे पूरा करने की कोशिश किया और पूरा आपके माध्यम के सामने से वो पूरा हो रहा है। कुर्ला अंधेरी के रोड का भी काम आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पर गालेदारक है उनको अच्छी जगह पर जगह देना या मुंबई महानगर पालिका के कायदे से उनको पैसा देना, ये सब काम चालू है। एक 8 दिन के बाद वापस एक 25 गाला शिफ्टिंग कर रहा हूँ और वो जगह भी खाली करके ले रहा हूँ। ट्रैफिक के लिए जो पब्लिक को तकलीफ हो रहे हैं वो तकलीफ कम करने की जिम्मेदारी है मेरी, वो जिम्मेदारी मैं पूरा कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज़।